हेलो गाइज, आज हम लोग वीवो V29 वर्सेस V30 के बीच में फुल कंपैरिजन करने वाले एंड जानने वाले वीवो V29 से वीवो V30 के बीच में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। सो चलिए टू भी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वीवो V30 को लेकर वेट करना चाहिए या V29 को ही बाय करना चाहिए। सबसे पहले देख सकते हो वीवो ने लुक एंड डिजाइन के मामले में काफी ज्यादा जंप किया है V30 में। देख सकते हो V30 का लुक एंड डिजाइन बिल्कुल भी चेंज कर दिया गया एज कम्पेयर टू V29। बट मेरे हिसाब से V29 का जो लुक एंड डिजाइन था ना, वो मेरे को काफी हद तक प्रीमियम सा फील दे रहा था। आप लोग बताना कि आपका ओपिनियन क्या होता है, आपको दोनों में से कौन सा लुक एंड डिजाइन बेस्ट लगता है। अब दोनों फोनों की फ्रंट साइड डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले को लेकर हमें यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। दोनों का डिस्प्ले 6.78 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एक 3D बोल्ड कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही होगा, जहाँ पे 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। और कंटेंट वॉचिंग को लेकर दोनों फोनों पे काफी हद तक सिमिलर वाले फीचर्स ही दिए गए। दोनों फोन पे HDR 10 प्लस 10 बिट कलर सैचुरेशन एंड डॉल्बी विजन जैसे फीचर का सपोर्ट दिया गया। सिर्फ फर्क देखने को मिल रहा है तो वो है पिक ब्राइटनेस पे। V29 पे हमें 1300 nits की पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया था और V30 आने वाला है 2800 nits की पिक ब्राइटनेस के साथ, यानी कि ये आउटडोर पे काफी ज्यादा ब्राइट होगा एज कम्पेयर टू वीवो V29। तो मेरे ख्याल से डिस्प्ले के मामले में दोनों के बीच कुछ मेजर फर्क नहीं देखने को मिले। अब दोनों फोन की कैमरास की तरफ आते हैं तो वीवो का कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फोन होता है एंड्रॉइड के अंदर, लेकिन V30 में हमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिले एज कम्पेयर टू वीवो V29। वीवो V29 में दिया गया ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप, जहां पर 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विद OIS, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर। लेकिन अगर हम लोग वीवो V30 की बात करें तो वहां पे डुअल कैमरे का ही सेटअप दिया गया, लेकिन वहां पे 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विद OIS जो कि VCS वाले सेंसर के साथ आया एक नया टेक्नोलॉजी है, तो क्लियरिटी यहां पे डिसेंट मिल सकते है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल, यानी कि इसके अल्ट्रा वाइड से भी अच्छे खासे क्लियरिटी आप लोग एक्सपेक्ट कर पाओगे। एंड फ्रंट पे दोनों पे 50 मेगापिक्सल की ही सेल्फी दी गई है, जहां पे सैमसंग का J-IN1 वाले सेंसर को यूज किया गया विद डुअल LED फ्लस दोनों फोनों के साथ, यानी कि सेल्फी के मामले में दोनों फोन सिमिलर रहने वाले हैं। तो कैमरा के मामले में वीवो V30 थोड़ा सा बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि ये नया फोन होगा तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी थोड़े से बेटर किए जाएंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोनों फोनों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो वीवो V29 आया था स्नैपड्रैगन 778G वाले प्रोसेसर के साथ, जिसकी एंटीडू बेंचमार्क स्कोर 6 लाख के आसपास जाता है। एंड वीवो V30 आने वाला है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाले प्रोसेसर के साथ, जिसकी एंटीडू बेंचमार्क स्कोर 9 लाख के आसपास जाता है। तो एंटीडू बेंचमार्क के हिसाब से ही सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस हमें V30 के साथ ही देखने को मिलने वाला है। अब बढ़ते हैं हम लोग दोनों फोन की बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ। तो V29 में दिया गया था 4600mAh की बैटरी, जहां पे 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया था। एंड V30 आने वाला है 5000mAh की बड़ी सी बैटरी के साथ, जहां पे 80W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। तो बेस्ट बैटरी बैकअप हमें V30 के साथ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फर्क हमें Vivo V29 से V30 में देखने को मिला है। काफी कुछ अपग्रेड कर दिया गया V30 के साथ, लेकिन प्राइसिंग के ऊपर भी थोड़े से इंक्रीज किए जाएंगे। Vivo V29 को लॉन्च किया गया था 31,000 के प्राइस पॉइंट पे, तो हो सकता है Vivo V30 आ जाए 33,000 या 34,000 के प्राइस पॉइंट पे। तो ये था दोनों फोनों के बीच में ऑल डिफरेंसेस। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड मिलते हैं गाइस अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।